हमारे भारत की 75% आबादी गांव में रहती है और हमारे भारत की सच्ची तस्वीर गांव में ही बसती है। इतिहास गवाह रहा है कि आजादी के बाद अक्सर इतिहास गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों ने ही रचा है। कैलाश बहुत देर से अपने पुत्र का खेतों में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में एक 10 वर्षीय बच्चा वहाँ पर आ गया। मैं तुम्हारा कितनी देर से खेतों में इंतजार कर रहा हूँ, आखिर कहाँ थे तुम? पिताजी, स्कूल से आने के बाद मैं होमवर्क करने में व्यस्त था। बेटा, रात भर जो तुम पढ़ाई करते रहते हो, फिर सुबह जल्दी उठकर फिर से पढ़ाई करने लगते हो और स्कूल चले जाते हो। मुझे तुम्हारी यहाँ खेतों में जरूरत है। माफ कीजिएगा पिताजी, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। बेटा, हमारा परिवार बेहद गरीब परिवार है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी स्कूल की फीस का खर्चा और भोजन का प्रबंध इसी खेती से होता है। शिवन का पूरा नाम के शिवन था। के शिवन का जन्म तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी में हुआ था। के शिवन बचपन से ही बेहद होनहार बच्चा था। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता कैलाश खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। के शिवन एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर उसके पिता अपनी गरीबी की वजह से सरकारी स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। के शिवन पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के साथ खेती में हाथ भी बटाता था। के शिवन का बड़ा भाई अक्सर अपने पिता से इसी बात पर लड़ता था। आज भी उसका बड़ा भाई अपने पिता कैलाश से के शिवन को लेकर ही झगड़ रहा था। पिताजी, आपने शिवन को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। हमारे परिवार में आखिर कौन पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख कर आखिर होता क्या है? एक तो वैसे भी हम सबको 2 समय का भोजन पेट भर नहीं मिल पाता, और ऊपर से आप शिवन की पढ़ाई में बेफिजूल खर्चा कर रहे हैं। उसे पढ़ने का शौक है, मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए जब तक मेरे बस में है तब तक मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उसके पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम उसे पढ़ा पाए। अगर वो पढ़ने लिखने की जगह सारा दिन खेतों में काम करेगा तो हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर के शिवन का बड़ा भाई गुस्से से वहाँ से चला गया। के शिवन चुपके से अपने बड़े भाई की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी, भैया मुझसे नाराज हैं क्या? क्या आप मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? नहीं बेटा, तुमने सुना होगा मैंने तुम्हारे बड़े भाई से क्या कहा। जब तक मेरे बस में होगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर के शिवन खुश हो गया। के शिवन अब और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उस पे शुरू से ही कुछ करने का जुनून सवार था। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और के शिवन ने इंटर पास कर लिया। पिताजी, देखिए, मैंने 12वीं क्लास में 1st डिवीजन हासिल की है। के शिवन की बात सुनकर उसका बड़ा भाई मुंह बनाते हुए बोला, खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वैसे भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाते हैं या किराने की दुकान चलाते हैं। तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास रिक्शा खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही किराने की दुकान चलाने के लिए। के शिवन के पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। वो खेतों में काम करने की स्थिति में नहीं थे। ये कैसी बात कर रहा है तू? उसने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है, ये तो खुश होने वाली बात है ना? क्या खा खुश होने वाली बात है पिताजी? आपसे तो कुछ काम धंधा अब होता नहीं है। सारे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, अब मैं शिवन की पढ़ाई में 1 रुपए भी खर्च नहीं करूँगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर के शिवन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि के शिवन कॉलेज जाना चाहता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। पागल हो गया है क्या? इतना हट्टा कट्टा जवान हो गया है,
खेतों में काम कर। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन ले, अगर तुझे अब घर में रहना है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा तुझे खुद उठाना होगा। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतना कहकर केशवन का बड़ा भाई वहाँ से चला गया। केशवन कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा सोचता रहा। अचानक वो अपने पिताजी से बोला, मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आम बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा। भैया से कहना कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से के शिवन ने आम बेचना शुरू कर दिया और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। के शिवन अपनी सारी कमाई कॉलेज की फीस में ही खर्च कर देता था और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई। केशवन की इस मेहनत को देखकर कॉलेज के टीचर्स बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने केशवन की इस मेहनत को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। केशवन अब अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए MIT चला गया। केशवन को शुरू से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही चांद सितारों को देखता रहता था। केशवन का सपना था कि वो अपने देश का खुद का रॉकेट लॉन्च करके चंद्रमा पर भेज सके। केशवन की मेहनत और कोशिश रंग लाई और वो दिन आ गया। केशवन ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम तैयार करके एक रॉकेट तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ गया। उस दिन सारा देश आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी स्क्रीन की ओर नजरें जमाए बैठा हुआ था, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने वाली थी। केशवन के पिता टीवी देख रहे थे। आज चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग थी। कैलाश ने अपने बड़े बेटे से कहा, देखा बेटे, तुम हमेशा मेरे छोटे बेटे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। देखो आज मेरा बेटा कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। कुछ ही देर में ये चंद्रयान 2 लॉन्च हो जाएगा और मेरे बेटे की गिनती भारत के महान वैज्ञानिकों में होने लगेगी। सपने देखने से कुछ नहीं होता पिताजी, पहले लैंडिंग हो जाए उसके बाद बात करना। इधर केशवन चंद्रयान 2 की लैंडिंग में पूरी ताकत से लगा हुआ था। देश के सभी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक इसरो में मौजूद थे, मगर तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। केशवन बुरी तरह से टूट गया, मगर तभी उसके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री खुद चलकर केशवन के पास आकर बोले, तुमने कोशिश की है बेटा, सफलता और असफलता तो भगवान के हाथों में है। तुमने आज ये कारनामा करके दिखाया है जिसे कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही कहे जाओगे। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने केशवन को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री के गले लगाते ही केशवन ने खुद को विजेता महसूस किया। इसी बीच केशवन रिटायर हो गया। अब इसरो में तीसरे वैज्ञानिक एस सोमनाथ की नियुक्ति हो गई। आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं देश के हर नागरिक को अपना भाई समझता हूँ और हर नागरिक में मैं खुद को देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस असफलता को तुम सफलता में बदल दोगे, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके। मैं कोशिश करूंगा सर, मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें कामयाब करे और हमारे भारत का सीना विश्व में और चौड़ा हो जाए। इतना बोलकर केशवन वहाँ से नम आँखों से चला गया। एस सोमनाथ केशवन से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने जी जान से चंद्रयान 3 की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल हो गई। केशवन अपने बड़े भाई के साथ ये सारा का सारा नजारा टीवी पर देख रहा था। सभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग
एकजुट होकर देख रहे थे। सभी की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर के शिवन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो शिवन, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। नहीं भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि मैंने आपके नेगेटिव कमेंट को सदैव एक समीक्षक के तौर पर देखा। अगर आप मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं पढ़ पाता। के शिवन की बात सुनकर उसके बड़े भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। के शिवन को दुनिया के महान वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है और इतिहास में के शिवन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली, तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है, तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है, काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सब ने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी कि फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयां देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी, तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गईं। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे, हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बताकर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा।
काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आँखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां तीन चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहां हूं? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम तीन जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक कस्बे में तीन चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना दो सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली, तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है, तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है, काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सब ने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली,
तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी, के फर्स्ट आएगी लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयां देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी, तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं, वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे, हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा, फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आँखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां तीन चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहां हूं? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम तीन जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ, और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया, लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल, कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला, ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दें।